इस मस्जिद की तामीर में ना रेत, ना सीमेंट और ना ही बजरी का इस्तेमाल हुआ, बल्कि सफ़ेद मार्बल से इस मस्जिद की तामीर की गई और अब तक इस मस्जिद की तामीर जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन डीसी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के इलाका कीरांवाला से दा मशहूर मारूफ मस्जिद पाकविगा में। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ 19 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमातुल मुबारक बामुताबिक 16 मार्च 2001 में हुआ और ताहाल जारी है। इस मस्जिद की तामीर में ना रेत, ना सीमेंट और ना ही बजरी का इस्तेमाल हुआ, बल्कि सफ़ेद मार्बल से इस मस्जिद की तामीर की गई और अब तक इस मस्जिद की तामीर जारी है। मस्जिद की तामीर एक मिस्री ने नहीं बल्कि आंखों के सर्जन डॉक्टर अलहाज मोहम्मद फरक हफीज साहब ने की और मस्जिद में जो फन खताती आप देख रहे हैं वो भी खुद उन्होंने अपने हाथों से की। इब्तदा में दो मारूफ माहरीन कामिल खान मुमताज़ साहिब, साबिक प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और मलक मकसूद अहमद, माहिर आसार कदीमा लाहौर की भी खिदमत हासिल की गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान से पत्थर के काम के माहिर कारीगरों को बुलाकर काम शुरू करवाया गया, लेकिन जल्द ही जिस काम की इन्हें हदायत की गई थी उस काम को नाकाबले अमल करार देते हुए ये टीमें एक एक करके रुखसत हो गईं। इसके बाद डॉक्टर साहब और उनके दरवेश शागिर्दों ने मिलकर इस मस्जिद की तामीर की और डॉक्टर साहब ने बदस्ते खुद फन खताती की। यहाँ पर एक ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे डॉक्टर साहब ने फन खताती की, क्योंकि इसके लिए बहुत साल मेहनत की ज़रूरत होती है। यकीनन ये खुदा का करम और कुदरत का एक करिश्मा है। फिर जब खताती का काम शुरू हुआ और बड़े बड़े माहरीन ने काम करने से इनकार कर दिया, तब दोबारा डॉक्टर साहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और कहा कि यह काम भी खुद कर लो, जिसकी बदौलत ये कलिमात और कुरानी आयात ये जो आप देख रहे हैं इस पर भी डॉक्टर साहब ने खुद अपने हाथों से नक्श निगारी की। इसके बाद डॉक्टर साहब और उनके दरवेश शागिर्दों ने मिलकर इस मस्जिद की तामीर की और डॉक्टर साहब ने बदस्ते खुद फन खताती की। यहाँ पर एक ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे डॉक्टर साहब ने फन खताती की, क्योंकि इस काम के लिए बहुत साल मेहनत की ज़रूरत होती है। यकीनन ये खुदा का करम है और कुदरत का एक करिश्मा है।
जब डॉक्टर साहब मस्जिद तामीर कर रहे थे तब इटली, चाइना और सऊदी अरब से मुसलमान इंजीनियर आए और ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर कैसे एक आई सर्जन और अनपढ़ बच्चे वो काम कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े माहरीन बिना कर सके। ज़ोहर के वक्त डॉक्टर साहब के वालिदे मोहतरम को इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और कहा कि इधर मस्जिद बनाओ। इसके बाद जब डॉक्टर साहब सन 2000 में मदीना मुनव्वरा हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुक्म हुआ कि इस जगह पर मस्जिद बनाई जाए, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद पाक विगा कहा जाता है। ये खुदा का करम है, वगरना एक आई सर्जन ये काम नहीं कर सकता। इस काम के लिए बहुत साल मेहनत की ज़रूरत होती है। इस मस्जिद की इंतहाई अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद में अब तक इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं हुई। जी बिल्कुल, अभी तक इस मस्जिद में इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं हुई। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा दुरानिया 60 से 70 साल होता है। 60 से 70 साल के बाद जितनी अच्छी वायर हो उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। और इस मस्जिद को जो तामीर किया गया है वो इस लिहाज से तामीर किया गया है कि ये 2 से 3 हज़ार साल तक यूँ ही कायम दायम रहे। जामिया मस्जिद पाक विगा की हर दीवार के साथ ही खिड़कियां मौजूद हैं जहां से ताज़ा ठंडी हवा आती है। अगर इस मस्जिद में पंखे ना भी हो तो भी ताज़ा हवा अंदर आती है और नमाजियों को गर्मी की शिद्दत का भी एहसास नहीं होता। मस्जिद को अंदर से देख लें, मस्जिद को बाहर से देख लें, एक इंच का भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार की गई मस्जिद है और मस्जिद में जो फन खताती का काम किया गया है वो भी एक जैसा है, कहीं से भी ऊंच नीच का फ़र्क नहीं है। अपने मेज़बान ज़ैन डीसी को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।